आंसर में सावन, सावन प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। यस मैम, यस मैम। ओके टेल मी व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इज सम ब्लॉक ऑफ कोड्स व्हिच इज सिमिलर टू द मेथड्स। व्हाट इज द डिफरेंस नो जाफर जाफर प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। यस मैम। Tell me what is the difference between method and constructor? Yes, ma'am. Constructor is a type of method. What is the difference between method and constructor? And let's speak loudly. I can't listen to you properly. So method, ma'am. Constructor has same name as class name. मेथड तो अपना सेम नेम क्लास नेम वी कैन यूज व्हाट इज द प्रॉब्लम रख सकते हैं ना हम लोग मेथड नेम का क्लास नेम सेम या नहीं रख सकते हैं बोलो तो इज इट पॉसिबल टू राइट मेथड नेम एंड क्लास नेम इज सेम नो मैम यस मैम पॉसिबल जाफर यस मैम दूसरों के बात पे आकर मत यस बोलो नो नो मैम देन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड क्लास मेथड एंड कंस्ट्रक्ट बोलो अभिषिक्ता यस मैम मैम मेथड हैज नो रिटर्न टाइप बोलो कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव नेम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेथड नेम एंड बोलचे मेथड एंड कंस्ट्रक्टर मैम कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड एंड कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप व्हेयर इज मेथड हैज आल्सो एज अ रिटर्न टाइप constructed also don't have the void return type and in constructor we can use we cannot use super and this together but in case of method and variables we can use super koi difference nahi hai wo mat bolo oh acha ma'am return type to the difference रिटर्न टाइप नहीं रहता कंस्ट्रक्टर एंड मेथड देयर आर व्हाई कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप दो रुको तुम नहीं सुधा बोलो व्हाई कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्टर रिटर्न कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज द वैल्यूज कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज द वैल्यूज इनिशियलाइज द वैल्यू Global values. Global value. What is the meaning of global value? ऐसा कोई आंसर ही मत दो कि अपना ही आंसर में फंसते चले जाओ ठीक है ग्लोबल वैल्यूज ग्लोबल वैल्यू क्या है पहले तो ये बताओ मेरे को पता नहीं है what is global. Global values are declared inside the class of the method. की? जोर से बोलो सुनाई नहीं क्या है ग्लोबल वैल्यू प्रिंस ग्लोबल वैल्यू क्या है ग्लोबल वैल्यूज आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास आउटसाइड द मेथड में वो ग्लोबल वैल्यू है क्या है वो मैम एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग दैट टाइम वी कैन डिक्लेयर द ग्लोबल वैल्यू ग्लोबल वैल्यू क्या होता है भाई ग्लोबल वर्ड ही तुम लोग कहां से ले रहे आमदनी कर रहे हो ये मेरे को नो वर्ड इंस्टेंस वेरिएबल तो कंस्ट्रक्टर के साथ इंस्टेंस वेरिएबल का क्या सम रिलेशन है एक क्या नाम सुधा क्या रिलेशन कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेस द इंस्टेंस वैल्यूज मैम हम कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द वैल्यूज इनिशियलाइज द वैल्यू पढ़ाई करो
शुभदीप साहू, शुभदीप बोलो बोलो, व्हाई कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइम? मैम डोंट सर्च इन गूगल एन आंसर मी व्हाई कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइम. तुम लोग पढ़ाई तो पहले करते नहीं हो, कोई कोई छोड़ के, और जो क्लासेस नहीं होता है तब एकदम मथा पच्ची करने लगते. सिर्फ तुम लोगों का ग्रुप नहीं, डेटा साइंस का ग्रुप में भी सेम हाल है. कहीं मैम छुट्टी पे चला गया, क्लास नहीं हो पाए, तो बाप रे बाप कितना लंबा चौड़ा. मैं डेटा साइंस को भी दूंगी, तुम लोगों को भी आज दे रही हूँ. मैम बोलो क्लास की बोल भी तुम्हारा नाम सुबदीप है क्या? नहीं है, जिससे पूछा जाए वही आंसर दीजिए. मीना, मीना यस मैम. व्हाई कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप? बिकॉज इट्स नॉट कॉल्ड डायरेक्टली बाय कोड मैम. क्या अब नया जावा लिखोगे क्या तुम लोग सब? संदीप, व्हाई कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप? संदीप प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. मैडम या बिकॉज़ वी यूज अ कंस्ट्रक्टर टू प्रोवाइड इनिशियल वैल्यूज टू योर वेरिएबल्स. या इट इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट. कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट. देयर इज नो नीड टू रिटर्न एनी थिंग. तो दैट्स व्हाई कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप. ये सिंपल चीज मैंने बोल दिया, फिर भी तुम लोग लिखते तो नहीं हो ना? कोई नहीं लिखते हो. डोंट यूज एनी कॉपी, सेव योर पेपर एंड पेन एंड पैसा ऑल्सो. सेव योर पेपर पेन एंड मनी. और जिस दिन मैं क्लास नहीं करूंगी सब मेरे पढ़ाई नहीं करते कोई, मैं तो क्लास पोस्टपोन कर दूंगी. अगर किसी दिन ऐसा हाल निकला ना तो मैं क्लास सचमुच पोस्टपोन कर दूंगी. फिर तुम लोग मैनेजमेंट के पास जाओ, जहां पर भी जाओ मेरा कोई आता जाता नहीं है. ऐसा क्वेश्चन अराइज होगा इंटरव्यू के लिए, तुम लोगों को भलाई के लिए बोल रही हूँ ना, मेरे खुद के अच्छे के अच्छे के लिए बोल रही हूँ. मेरा जो पढ़ना था कोर जावा जेएस पे सर्वर में मैं पढ़ चुकी हूँ, इसके बाहर कुछ भी नहीं है. आई कांट क्रैक एनी इंटरव्यू. तुम लोग का क्या होगा? तापस प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. मैम बोलो. टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर? अरे इंटरव्यू में ऐसा सवाल पूछा जाता है कि जो जानते हैं हम लोग, हम जो भी लगभग है कुछ भगवान की तरफ से, मैं बहुत पढ़ी हूँ कोर्ट जब, मैं भी अटक जाती हूँ इंटरव्यू में. ऐसा ऐसा इंटरव्यू का क्वेश्चन है, पूरा पता नहीं किसको नहीं होता है. शुरू से अपना बेस अगर ठीक ठाक नहीं रखोगे तो क्या होगा? हम लोग भी अटक जाते हैं, हमारा जो मेंटर है वो भी अटक जाता है. ऐसा ऐसा क्वेश्चन होता है. मान लो कि एक तुम्हें एक अच्छा सा जॉब आएगा, देखोगे इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हें बेस क्लियर नहीं है. ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना कि चलो कहाँ से पूछ दी, नहीं क्रैक कर सकते, हम भी नहीं कर क्रैक कर पाते. ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है. तुम लोगों का ये हाल है, ये सीधा सा आंसर नहीं दे रहे हो तो क्या हो, है ना? बोलो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड क्या नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर? मैम जोकुन माने कौन कंस्ट्रक्टर मतलब माने. प्लीज आंसर इन इंग्लिश क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश संदीप को हिंदी नहीं आता है. प्लीज आंसर इन इंग्लिश. कभी कभी बार हिंदी भी बोलो बट आंसर इन इंग्लिश. हिंदी तो बंगाली तो कहीं पर भी नहीं चलेगा, हिंदी फिर भी चलता है. ओके मैम, कंस्ट्रक्टर दैट हैज नो पैरामीटर इट्स कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. हाँ तो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में कहाँ से तुम ये पैरामीटर लेके आओगे? क्या है? डोंट सर्च गूगल.
No, man, we will ask that. तो क्या हुआ पढ़ाई का क्या हाल है पहले ये बोलो प्रिंस प्रिंस यस मैम जो क्वेश्चन बोला उसका आंसर तो मैम इन लाइक व्हाट मैम कैन यू रिपीट दैट क्वेश्चन व्हाट मैम ये तो और अच्छा बंदा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर मैम इन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दैट कंपाइलर ऑटोमेटिकली जनरेट द डिफॉल्ट एंड यूजुअली डिफाइंड कंस्ट्रक्टर प्रोग्रामर हैव टू लाइक कंस्ट्रक्ट दैट कंस्ट्रक्टर Yeah, देखो किसको पूछा था मैंने तापस को क्या है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हैज नो आर्गुमेंट इट इज ओके नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हैज आल्सो नो आर्गुमेंट इट इज ओके बट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड बाय कंपाइलर एंड नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड बाय प्रोग्रामर इच्छा अच्छा से उस दिन समझा दिया था फिर भी तुम लोग ना हद कर देते कंस्ट्रक्टर के साथ रुको तुम लोगों का क्लास लेती हूँ क्या पढ़ाई चल रहा है देखते पहले मैं जो दिखाना चाहती हूँ कि नाम नाम जो है जो मीना का शायद कंफ्यूजन था आई थिंक सो आई कैन रिमेम्बर कि कंस्ट्रक्टर नेम एंड सॉरी क्या या देखो मीना का जो प्रॉब्लम था कंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लास नेम सॉरी मेथड नेम एंड क्लास नेम क्या हो सकता है डिफरेंट होना चाहिए मैम मेथड नेम एंड क्लास नेम क्या हो सकता है सेम हो सकता है क्लास नेम और मेथड नेम सेम हो सकता है ये कभी मत बोलना क्योंकि ये कभी सेम होता ही नहीं है इट्स नेवर बी सेम व्हाई इट्स नेवर बी सेम बिकॉज देयर इज अ नेमिंग कॉन्वेंशन व्हेयर द नेम ऑफ द क्लास नेम इज अ फर्स्ट अल्फाबेट इज अपर केस बट इन मेथड नेम द फर्स्ट लेटर इज लोअर केस तो दैट्स व्हाई इट नेवर सेम तो ऐसा मत बोलो कि मेथड नेम सेम हो सकता है कि नहीं हो सकता डोंट बी अ कंफ्यूजन प्लीज आंसर कि क्लास नेम फर्स्ट अल्फाबेट इज क्या अपर केस एंड मेथड इज मेथड नेम फर्स्ट अल्फाबेट इज लोअर केस क्लियर क्लियर है कि ना किचु आंसर नहीं करना यस मैम क्लियर ऑल क्लियर Yeah, I am asking another question. Tem. मैं क्यों पढ़ा रही हूँ या मैं बोलती हूँ रुको क्यों मैं पूछ रही हूँ उसका भी रीजन है Tem, okay.
What will be the output here? The ruko main jisko puchunga wahi bol le. Sawan, bolo. What is the output here? ये कोई नेसेसरी नहीं है ये व्हाट इज द आउटपुट हियर सावन सावन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सावन नईम नईम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ এ শোনাই দে রা অভিষেক তো শুনতে পাচ্ছিস আমার কথা হ্যাঁ পাচ্ছি তো হ্যাঁ তো বাকি লোকগুলো কেন শুনতে পাচ্ছে না নাইম নাইম প্লিজ আনমিউট ইয়োরসেলফ अदरवाइज রিমুভ আই রিমুভ ইউ ফ্রম দিস গ্রুপ সাওন সুধা এ লোক বহুত চালাক হ্যায় বহুত হি চালাক হ্যায় Yes, ma'am. ठीक है तुम रहो लाइन पे नईम ऑल प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ ऑल प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ संदीप अनम्यूट योरसेल्फ हां यस मैम सावन अनम्यूट योरसेल्फ ओके शुभदीप आंसर मी व्हाट इज द आउटपुट हियर अरे ट्राई तो करो यहाँ पर कहीं यहाँ हम इंफोसिस का इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं हेलो हेलो भाई हेलो शुभदीप की हो आंसर हम हाई फास्ट पेइंग होगा हाई होगे हाई होगा सन प्रिंस Yes, ma'am. It will give error, I think. Huh? It will give error. Error. Okay. Meena? Yes, ma'am. What will be the output here, Babu? Hi. Hi. Okay. Jaffer? Yes, ma'am. Hi, over. Hi. Sandeep yes ma'am hi Sudha yes ma'am hi ma'am Tapas hi ma'am sabko main dhakka maar ke hai na aaj class se nikal dunga kya hai to oh sorry sorry agar hi nahi hua na sabko main aaj class se nikal dunga Hi 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 hi. Hi. Error. Kya error dikha raha hai? Madam, public class attempt. Public class to theek hi hai. Attempt starting. Hmm? Ki? 14th line ma'am. Extra curry ओके ओके हां एक्स्ट्रा कर ली वैसे स्कोर या हाय नाउ आउटपुट हाय हाय हाय
ম্যাম আপনি কি প্রেজেন্টেশন অফ করলেন আরে মেরা ল্যাপটপ অফ হয়ে গেছে মেরে রুক ওকে রুক রুক ওকে রুকো আ রহা হ্যায় মেরা স্ক্রিন না ম্যাম না 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 ম্যাম না ম্যাম এখনো হয়নি এবার আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ এবার আসছে यस ম্যাম এবার হয়েছে হ্যাঁ তো দেন হোয়াট উইল বি দা আউটপুট হিয়ার হাই হ্যালো হাই হাই স্যার হ্যাঁ হাই ম্যাম হাই Hello, hi, ma'am. Huh? Hello, hi. Hello, hi. Yes, ma'am. कौन बोला हेलो हाय सुधा रेड्डी बाकी लोग हाँ मैम हेलो हाय हबे हेलो हाय बाकी लोग तापस Sandeep madam what is the output hello hi madam hello hi okay let's madam check. Madam error madam why error non static variable non static variable yeah non static variables to maine never I use the variable here I don't know why there is a non static variable what come in non static variable madam once check it madam Let's check. Hi, hello. Hi and hello. Shit. Hi. Sorry, hello, man. Hi, नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? मैंने तो पहले दिन बोल दिया था. I'm explain in previous session. What I said? कि when I use this, I call the so constructor here. सुन लो या लिख लो. Please use copy and pen. रोज-रोज मैं नहीं बोलने वाली. When we call the so constructor here, there will be a hidden super. I say that there will be the hidden super. क्या है यहाँ पर एक super keyword रहता है जो क्या है hidden रहता है compiler is use it okay. That's why when we call the so constructor is come to the next line super and so what is the key function of super keyword
Key, Abhishekta, what is the function of super keyword? Used to call the parent class. It calls the reference variable. He said reference variable. Parent, ma'am, parent class. Parent class. And this current class. Parai karo, please. Main sabko bol rahi hu. Kya hai parent class? So when I use the super keyword here, it's go to the parent class. And when I it's go to the parent class constructor and it's enter into the parent class constructor, see that there will be a work. What is the print the high? So that's why it print high. After that, just go to the next line and print hello. Clear all of you? Yes, ma'am. A program likh lo sab. Yes, ma'am. रिकॉर्डिंग करने से कुछ नहीं होता है. मेमोरी पे रिकॉर्डिंग होना चाहिए, कॉपी पे रिकॉर्डिंग होना चाहिए. क्लास रिकॉर्डिंग करके कुछ फायदा नहीं होता है. ऑल ऑफ यू प्लीज राइट डाउन इन योर कॉपी और टेक अ स्क्रीनशॉट. स्क्रीनशॉट से भी कुछ नहीं होता है. क्लियर हुआ? यस मैम. मैं जो बोलने वाली हूँ वो है कंस्ट्रक्ट. ये है कंस्ट्रक्टर. मैं आज जो बोलने वाली है वो है कंस्ट्रक्टर चेनिंग. व्हाट इज कंस्ट्रक्टर चेनिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेन? व्हेन आई यूज टेक ए वन पॉइंट वी कैन क्या बोले, वी कैन प्रोसीड द एकदम एंड पॉइंट ऑफ द चेन. एकदम तुम चेन का एंड पॉइंट पे हो, तुम एक कोई खींच के सामने पे आ सकते हो ना. यही तो कंस्ट्रक्टर चेन है कि एक एंड पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट आर कनेक्टेड वाया चेन. इट इज कॉल्ड चेन. यस और नॉट? यस मैम. तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग में क्या होता है देखो. दिस कीवर्ड का भी यूज होता है, सुपर कीवर्ड का भी यूज होता है. बट मैं दिस कीवर्ड का, सुपर कीवर्ड का मैंने दिखा दिया यहाँ पर, तो दिस कीवर्ड दिखा रहे हैं. किस टाइप का कंस्ट्रक्टर है जो मैंने लिखा? पैरामीटराइज्ड सेकंड टर्म. Thank you.
ठीक है, वो चेक कर लेती हूँ। बोलो व्हाट इज द आउटपुट हियर, वन बाय वन बोलते जाओ। तापस से स्टार्ट करती हूँ। तापस बोलो। तापस मैम बहुत तो अच्छे हैं। मतलब जापर सुधा मैम मैम 575 मैम 575 ओके। संदीप मैडम हाय गाइस हाय 575 मैडम वेट मैडम ओके। क्या होगा दिस, क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस? करंट क्लास, करंट क्लास, करंट इंस्टेंस। यहां पर करंट कौन है? करंट मतलब क्या है? करंट पे जो देखो देखो मैं पहले रन करके दिखाती क्या है। 75 5 एंड हाई, व्हाट विल बी डन हियर? देखो मैं पहले हिंदी में बोलती हूँ फिर पर इंग्लिश पे बोलती हूँ, ठीक है? यहाँ पर आई एम डिक्लेयर हियर, इंग्लिश हिंदी एक साथ ही चलेगा, चलो। आई विल डिक्लेयर हियर कंस्ट्रक्टर, ओके? टेम्प, व्हाट इज टेम्प? टेम्प इज अ कंस्ट्रक्टर, इज गो टू द सेकंड लाइन, ओके? आफ्टर दैट व्हेन इट एंटर्ड इन दिस कंस्ट्रक्टर इट्स व्हाट विल बी राइट हियर दिस 5 okay this yes, referred to the which current constructor but current reference variable current ka call karte hai na to yahan par current kaun hai temp int x hai to dikhega kya int x a 5 hai okay match ho gaya it's matched then it's now it's enter to the fir is enter into this block and see that there will be this 5, 15 then it's again it's called current constructor what is his current constructor current mane bolte chaiche je constructor modhe royeche ba current mane tu ki bujhis jetar modhe royeche na ke or thik pore tai ekhane to puro tai ekta class er modhe royeche ekhane to deo এখানে তো দেয়ার উইল বি নো চেঞ্জ হিয়ার না তো কারেন্ট মানে কি আমি তুই ধর একটা ওয়ে একটা অ্যারে আছে ওকে অ্যারে মানলো দেয়ার উইল বি অ্যারে দেয়ার উইল বি অ্যারে আই অল অফ ইউ সি মাই স্ক্রিন ইয়েস ম্যাম দেয়ার উইল বি অ্যারে ওকে দেয়ার উইল বি অ্যারে okay there will be array. I write here 1 3 5 7 1 ka current number kya hai current matlab kya hai uska pass wala uska current mein jab baitha hai kaun hai 3 to yahan par bhi wahi soch lagao theek hai think like this
करंट, ये तो करंट का कोई यहाँ पर तो कोई सुपर, यहाँ पर तो कोई तुम्हारा इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज, देयर विल बी नो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज, चाइल्ड पेरेंट का तो यहाँ पर कंसेप्ट है नहीं, है क्या? नहीं है। तो ये क्या है करंट, मतलब क्या है उसके बाद वाले को ढूंढेगा? करंट मतलब हम लोग यही समझते हैं ना, बाद वाला करंट कौन है, मेरा करंट कौन है, यही तो सोचते हैं ना हम लोग। तो दैट्स व्हाई सबको समझ में आ रहा है? यस मैम, यस मैम। ओके, तो दैट्स व्हाई इट्स एंटर इनटू दिस ब्लॉक एंड फाइंड देयर विल बी दिस 5:15 11 नंबर लाइन एंड नाउ इट्स गो टू द 14 नंबर लाइन बिकॉज़ देयर विल बी अनदर करंट कंस्ट्रक्टर, वेयर इज इट 10 index int y. अगर यहाँ पर सिर्फ 5 रहता, मान लो यहाँ पर सिर्फ 5 है, तो what will happen? Only 5. And 5 to go. होता है अच्छे से दादा? Int high again. प्रथम 5 का तो print करोगे? एक मिनट रुको। क्या होगा यहाँ पर आउटपुट? প্রথম 5 টা তো প্রিন্ট করবে আর হাই ম্যাম দুটোই একই, দুটোই দিস 5 আসে, মানে তো যখন 11 নম্বরে দিস 5 আসবে তখন ওয়াট নেক্সট টু যাবে না, তাহলে স্যার 5 আর হাই হবে। অল অফ ইউ তাই তো মনে হচ্ছে 5 এর রান করে দেখ, তাহলে এরর এরর দেখায়গা चेन को, तुम बीच में से टूट रहे हो। I'll give you a chain, okay? तुम एक अपना ट्रॉली को चेन से खींच रहे हो। मान लो there will be a trolley, you bind it with chain, with a chain, okay? And I just cut this chain. What will happen? Your trolley is another place, you is another place. कोई चेन रहेगा ही नहीं, तो क्या दिखाएगा? यहाँ पर एरर दिखाएगा ना। That's why I'm telling you that this is a constructed chain. चेन को तुम कभी बीच में से हटा नहीं सकते। Child class से parent class, parent class child class यहाँ पर कहाँ देख पा रहे हो तुम? मैम हम्म, ম্যাম এখানে এররটা এলো কেন? 11 দেখুন ফার্স্টে, ওই ওটাই তো বলছি, ধর তুই একটা চেন দিয়ে একটা ব্যাগের ট্রলি টানছিস, ঠিক আছে, চেন দিয়ে একটা ব্যাগকে বেঁধেছিস, এবার টানছিস, আমি তোর বড় চোর, আমি তোর ব্যাগে হীরা ডায়মন্ড আছে, আমি সেটা নিতে চাই, আমি তো চেনটা কুচ করে কেটে দিলাম, তুই এগিয়ে গেলি তোর ব্যাগ এক জায়গায় পড়ে থাকলো, চেন প্রসেসটা কি কমপ্লিট হলো? না না, তো এখানে তো প্রসেসটা কমপ্লিট হচ্ছে না, কি করে হচ্ছে? বিস 5 এ যাচ্ছে, তারপর ভেতরে ঢুকছে, যে দেখছে ঠিক আছে একটা ইনটেক্স পেয়েছি, মানে ওখানে 5 আছে, ফির ও ভেতরে ঢুকলো, দিস 5 তার নিচের কনস্ট্রাক্টরের প্যারামিটারের সঙ্গে কি দিশে 11 নম্বরের প্যারামিটারটা ম্যাচ করছে? না, তাহলে চেইন কো মানে ব্রেক কর দিয়া না। সবকো সমঝ মে আয়া? হ্যাঁ ম্যাম। সন্দীপ আসলে না, ওকে, বাকি লোক? হ্যাঁ ম্যাম, यस ম্যাম, বুঝেছি। দ্যাটস ওয়াই আই সে না, দিস ইজ কনস্ট্রাক্টর চেইনিং। মে উহি উহি আতম আসমান সে তো লেকার বাত নাই কর রহি হুম, ইট ইজ আ কনস্ট্রাক্টর চেইনিং। আই ক্যান্ট কাট দ্য চেইন এনিওয়ে, আই হ্যাভ টু ফুলফিল দ্য প্রসেস অ্যাকচুয়ালি, ওকে, ক্লিয়ার? ফলো দ্য প্রসেস, ক্লিয়ার ম্যাম। Okay, so then what will be the output here? 75, 5. Okay, now I am right here. 10, 12. Okay, I'll give you a parameter here.
What will be the output here? Correct, it will search here. Yeah. This is also error. Okay, baki log. तुम्हें सब कुछ एरर क्यों लगता है संदीप? Why it is error? मैंने क्या किया? एक टेम का, I take a टेम कंस्ट्रक्टर, okay? I'll just give a parameter here, 10 and 12. It's go to the 40 number line. Yes, ma'am, yes. And it's checked. Yes, ma'am, yes, ma'am. Then system.out.print, x is 10, y is 12. It's multiply and give the answer 120. 75 कहाँ से आ रहा है? बोले गए थे आगे 5 और 15 मल्टीप्लाई कर दिए थे मल्टीप्लाई कर दिए थे मैम मैं मैंने नहीं थी गाधा सब बुझते पर अच्छे ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड यस मैम प्लीज राइट डाउन दिस स्क्रीन शॉट हुआ लिखा सबने यस मैम ओके कंप्लीट यस मैम एक तो कम ओके ओके राइट डाउन सवार कारण देश में सुधर हमारे कारण गया था हो गया कंप्लीट यस मैम ओके नाउ आई एम गोइंग टू इनहेरिटेंस वन ऑफ द ओप्स फीचर व्हाट इज द फीचर्स अनदर फीचर्स इज इनहेरिटेंस ओके इनहेरिटेंस द ओप्स फीचर्स ना सो आई एम गोइंग टू द इनहेरिटेंस पोर्शन दिस इज कंस्ट्रक्टर चेनिंग ओके क्लियर हुआ आंसर कर पाओगे ना या मैम यस मैम ओके अब व्हाट इज इनहेरिटेंस बोलो तो कोई इनहेरिटेंस क्या है reusability
हो गया, इनहेरिटेंस यही है, समझ में आ गया व्हाट इज इनहेरिटेंस? सम रूल्स आर देयर, या व्हाट इज द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस? टाइप क्या है? सिंगल मल्टीपल, सिंगल मल्टीपल, मल्टीपल एलो हाइब्रिड, हाइब्रिड मैडम, हाइब्रिड एंड मल्टीपल नॉट सपोर्टेड इन जावा, हाइब्रिड सपोर्टेड, हाइब्रिड इज मल्टीपल इन नॉट, मल्टीपल नॉट सपोर्टेड मैडम, बाय यूजिंग इंटरफेस, बाय यूजिंग इंटरफेस ओनली इट सपोर्ट. सब जानते हो तो क्लास पे क्यों आए? देखो गुड, क्या क्या इनहेरिटेंस है जिसको नहीं पता लिख लो. सिंगल, क्या सिंगल के बाद क्या है? मल्टीपल, 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 मल्टी लेवल, मल्टी वैल्यू, अब की मल्टी लेवल, मल्टी लेवल, मल्टी लेवल, हाइब्रिड, साइक्लिक हाइब्रिड, हायरार्किकल, हाइब्रिड, हाइब्रिड, हायरार्किकल, हाइब्रिड एंड हायरार्किकल, हायरार्किकल. ओके, ये है कंस्ट्रक्टर ऑलोकेस्टर. हाँ किचु, ओके, सिंगल मैंने जितना कोड लिखा सब सिंगल है. सिंगल मतलब क्या है? मतलब क्लास ए. ओके, क्लास बी एक्सटेंड्स ए. ये क्या है? सिंगल क्लास, सिंगल है, इट इज अ सिंगल टाइप ऑफ, सॉरी, क्या है? सिंगल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस. ओके, सिंगल टाइप ऑफ इनहेरिटेंस मतलब क्या है? इनहेरिट क्लास ए, क्लास ए बी, टू मतलब टू नहीं, टू मतलब वन क्लास इज इनहेरिटेड फ्रॉम द Inherits class B. ये प्रॉब्लम है ऑनलाइन में पढ़ने में, इसको हटा नहीं सकते. ठीक है, चलो क्या है? क्लास ए से क्लास B. क्लास B. ये क्या है? सिंगल, सिंगल, ये है सिंगल. ओके, ओके, और ये सबको आता है. और मल्टीपल इनहेरिटेंस डज नॉट सपोर्ट जावा. व्हाई इट डज नॉट सपोर्ट जावा? आई एम राइटिंग हियर बट आई कैन कंपाइल इट. व्हाई इट्स कंपाइल? बिकॉज इट इज, इट इज की बोलबो, आई जस्ट रिमूव इट. ओके, मान लो मैंने एक यहाँ पर मेरा टेम्प फेम मैं हटा देती हूँ, मैं ये लिखती हूँ. ओके, ए, मैं यहाँ पर एक मेथड डिक्लेयर किया वॉइड सो. ओके, यहाँ पर मान लो एसओपी करके मैं कुछ लिख रही हूँ हाई. फिर मैं यहाँ पर और एक मेथड ले रही हूँ वॉइड, मान लो डिस्प्ले. SOP हेलो. ओके, फिर मैं एक क्लास ले रही हूँ, क्या ले रही हूँ? पब्लिक क्लास बी एक्सटेंड्स
plus okay. सॉरी सर ए यहाँ पर मान लो एक और क्लास मेरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा क्लास बी सी ओके हुआ यही क्लास ए में आई डिक्लेयर वन मेथड इन क्लास बी आई डिक्लेयर डिस्प्ले मेथड ओके एंड आई टेक अनदर क्लास क्लास सी में क्लास सी एंड एक्सटेंड ए कॉमा बी हम ऐसे नहीं लिख सकते ऐसे हम नहीं लिख सकते क्या नहीं लिख सकते इट इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस जब मैं इंटरफेस लिखूंगी तब देखोगे मैं ऐसे ही लिख रही हूँ इट इज पॉसिबल इन इंटरफेस but not in multiple inheritance not in class but using class okay. why because it create ambiguity class c yes, kiske paas pehle jayega class a ke paas ya class b ke paas aisa to koi hai nahi ki kiske paas jao to tum bologe interface mein kyu hota hai interface mein bahut sara properties rehta hai like wahan par constructor nahi rehta hai aur wo lightweight hota hai wahan par object creation ka koi zarurat nahi hota hai yahan par to object create karna mandatory hai na to that's why yahan par kya hoga ek ambiguity create ho jayega likh lo line create ambiguity that's why we can use multiple inheritance in normal java class but using interface we use the implements here there will be amra ekhane ki likhche extend likh rahe hai na interface ke case mein hum log implements likhunge but in case of implement we right. can achieve it okay अब आती हूँ कहाँ मल्टी लेवल पे मल्टी लेवल क्या है क्लास है क्लास ए से जाएंगे हम क्लास बी क्लास सी क्लास बी एंड यहां से हम जाएंगे कहां अंदर आ रहा क्लास सी क्लास सी ये क्या है मल्टी लेवल मल्टी लेवल याद रखना ओके आई ड्राइव टे प्रोग्राम मुझसे भी क्वेश्चन रहेगा नमस्ते क्लास बी एक्सटेंड क्या क्लास ए ओके ओके ये समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को मैम मैम ओके यहाँ पर पावर क्लास सी एक्सटेंड क्या करेगा बी को ओके इसको हटा देती हूँ ना एसओपी से तो नहीं काम चल रहा है सॉरी system out print seven hi okay hello hello हाय ओके
बहुत एरर आ सकता है। ओके हम क्रिएट हियर ऑब्जेक्ट हियर, किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगे बोलो तो, यहाँ पर सी का ही कर लेते हैं। ओके सी ओबी इक्वल टू न्यू सी सी आफ्टर दैट ओबी डॉट यहाँ पर तो कोई मेथड डिक्लेयर ही नहीं किया डिस्प्ले डिस्प्ले नहीं यहाँ पर कुछ और नाम दे देते हैं एड नाम हाय हेलो बाय बाय हम लोग बचपन में बोलते ना हाय हेलो बाय बाय अभी भी बोलते हैं क्योंकि हम लोग अभी भी बच्चे हैं हाय हेलो बाय बाय हेलो हाय बाय बाय कौन बोल ठीक है ओबी डॉट Add. क्या होगा आउटपुट क्या होगा आउटपुट बाय मैम बाय 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 यस एरर 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 कहीं पर ज्यादा ही हो गया एक्स्ट्रा मैडम वॉइड डिस्प्ले नो वॉइड डिस्प्ले सिस्टम का प्रॉब्लम है वॉइड डिस्प्ले का क्या हुआ वन ये तो क्लास बी का है ठीक ही क्लास ए हैव एक्स्ट्रा कर्ली ब्रेस मैम होता है क्लास ए b এর অবজেক্ট বানিয়ে ডিসপ্লে b অবজেক্ট ইজ इक्वल टू নিউ b মানা আরেকটা নতুন অবজেক্ট বানাবো b ob.display ডট ডিসপ্লে একটা নতুন না শুধু হ্যালো প্রিন্ট করতে গেলে b ob इक्वल टू নিউ b ob.display হ্যাঁ হ্যাঁ c এর অবজেক্টটা ক্লোজ মানে অফ ডিলিট করে দাও এর অবজেক্ট ডিলিট করে দাও ডিলিট করে দাও দুটোই চাই আই নিড টু তাহলে থাকবে হ্যালো বাই প্রিন্ট হবে তাহলে আরেকটা নতুন বি এর জন্য অবজেক্ট কি ওবি1 করে দেব নিউ বি আর ওবি ওটা কি ডিসপ্লে বলতো না ডিসপ্লে করে দেব না ওবি1 ডট ডিসপ্লে সন্দীপ ম্যাডাম হোয়াট আই ডু হিয়ার Actually, ob dot display man. Only ob dot display. And b object. B ka object create karna padega. Okay. New b. Ob dot display. Ob one dot display. मान लो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करना नहीं चाहती देन व्हाट कैन आई डू ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करे प्रिंट करो या एंड मैंने क्या बोला बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से क्या हुआ देयर सुपर देबो सुपर कीवर्ड यूज करबो वेयर मैम ये थे वॉइड 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 ऐड के ऊपर वॉइड ऐड के ऊपर सुपर सुपर क्या लिखूंगी बोलो मेरे को याद नहीं है बोलो सुपर बोलो सुपर डॉट डिस्प्ले अरे ना डिस्प्ले बोल रहा हूं तुम्हें
শুনতে পাইনি, এত আস্তে আস্তে তোরা কথা বলিস। সুপার ডট ডিসপ্লে হোগা, আমি মনে তো হচ্ছে একবার দেখি, আমি জানি না কি হবে, দেখে তো सुपर वहां पर डिक्लेयर करोगे? कहां करोगे? यहां पर, तब ना वो एड मेथड में जाएगा, फिर इट्स गो टू द नेक्स्ट लाइन। तुम क्लास के बीच में उसको इंस्टेंस वेरिएबल के तरह डिक्लेयर कर रहे हो, तो मैं ब्लॉक के अंदर जा ही नहीं रहा है। सिंपल आइडिया करो कि आई कॉल द ऐड मेथड, ओके? तो ऐड मेथड कहाँ है मेरा? 18 नंबर लाइन पे। तो इट्स एंटर इनटू द ऐड मेथड आफ्टर दैट इट्स चेक, ना कि उसके बाहर में जाके चेक करोगे? दिमाग लगाते हो ना तुम लोग एकदम बढ़िया से। हेलो भाई, ओके, अगर मेरे को हाई प्रिंट कराना है तो मैम उधर पड़े सुपर डॉट शो, सुपर डॉट शो, ক্লিয়ার হুয়া? হ্যাঁ ইয়েস ম্যাম। মানে এখানে আমরা কি সুপার এর জায়গায় দিস ইউজ করতে পারি? দিস ইউজ করলে কি হবে? প্যারেন্ট এন্ড যখন প্যারেন্ট এন্ড চাইল্ড কা রিলেশন রহেগা তো দিস কিওয়ার্ড কা ক্যা ইউজেস হোগা? ও তো কারেন্ট পে হি রহেগা, তো প্যারেন্ট কো কল নাহি করেগা, দেন হোয়াই ইউ ইউজ দিস কিওয়ার্ড? মানে ইউজ করতে পারি কি? হ্যাঁ পারিস, কিন্তু করবি কেন? তুই এখান থেকে হোয়াট ইয়োর হোম টাউন? বারাসাত। বারাসাত, ওকে, আই ফরগেট, ওকে, বারাসাত। দিল্লি, ইউ ক্যান গো দিল্লি বাই ওয়াক, ওকে? চলে চলে যেতে পারিস, পারিস তো? যাওয়া যায় তো? ইউ ইউজ দ্য জিটি রোড এন্ড ইউ ক্যান ওয়াক এন্ড গো টু দিল্লি। Takes time 365 days. It is possible. ऐसा नहीं कि infinity time लगेगा. लगेगा क्या? नहीं लगेगा. There is no necessity. But you use also train. You use also flight. Yes or not? Yes. But you use a flight. Why? Because it take time less time. It take less time. तो तुम्हारा वहाँ पर जरूरत ही नहीं है पैदल जाने का, तो तुम क्यों जाओगे यहाँ पर? डिस्क का कोई रोल सी नहीं, यूज नहीं करोगे तुम यहाँ पर, बट यू कैन, बट जरूरी नहीं है। पैदल भी जा सकते हो बट जरूरी नहीं है पैदल जाने का। बट अगर तुम्हें चाह है कि गिनेस बुक पे नाम उठाना है तो यू कैन वॉक, बट यहाँ पर तुम क्यों यूज करोगे? करके देखना क्या फायदा होगा यूज कर। সবকা সুপার হটা দিতে ওকে। আজ তোদের প্রচুর কোয়েশ্চেন করছে, জ্বালাচ্ছি, তাই না? চিরা রহি হুঁ মে সবকো। পরের দিন থেকে ভালো করে পড়ে বসবো। এই তো, আচ্ছা বাচ্চা, यहाँ पर क्या होगा? मान लो मैं यहाँ पर मेथड को कॉल करती हूँ, oh.
क्या होगा आउटपुट हियर बाय बाय क्या होगा आउटपुट हियर एरर होगा बाय एरर क्यों एरर होगा ऑब्जेक्ट क्रिएट ही होगा ऑब्जेक्ट वन में মানে ob1 দিয়ে একটা কি তাও হবে না তো আগে ক্রিয়েট করতে হবে ম্যাম এরর হবে ক্লিয়ার সবাই হ্যাঁ ম্যাম বুদ্ধু লোকরা সব কিউ এরর হোগা তুম প্যারেন্ট সে তোমারা কুছ ডিএনএ ট্রান্সফার হুয়া হ্যায় চাইল্ড পে ওকে Your DNA is transferred to the child. Sorry, मतलब parent DNA is transferred to the child. Child क्या पूछ के लेते हैं? पापा मेरे को थोड़ा DNA दो मैं पैदा होने वाली हूँ. ऐसा पूछ के जन्मा हो कोई? हाँ? ये को मान ना कि मैं मेरे को आगे तो हलो. उटा तो तुम्हारा कोई चीज़ बुद्धूमारा काज कर ली ताई तो मैं उटा देखा ला. So we can call. तो क्या किया तुम लोग बुद्धू वाला काम किया इसीलिए मैंने लिख भी दिया बट व्हाई वी क्रिएट ऑब्जेक्ट मेरा क्वेश्चन है कि यू हैव टू यूज द मेमोरी मैनेजमेंट ये सबसे बड़ा चीज है आज तुम लोग ऐसा छोटा मोटा प्रोग्राम कर रहे हो बाकी जिस दिन बड़े कंपनी में जाओगे ना 1 MB मेमोरी के लिए मारा मारी करोगे ठीक है क्योंकि देयर विल बी मेमोरी स्कार्सिटी मेमोरी मैनेजमेंट करना सीखो बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो मेमोरी फुल हो जाएगा उस मैंने क्या दिखाया यू कैन यूज द क्या यू कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड कॉल यू कैन यूज द सुपर एंड देयर इज यू कैन आल्सो डायरेक्ट कॉल हियर क्लियर हुआ सबको देख এখনো क्लियर হয় নি তোদের মনে হচ্ছে কারা কোথায় প্রবলেম আছে বল क्लियर की बॉल क्लियर हुआ क्यों हो रहा है यहाँ पर क्योंकि ये तो पेरेंट का तुम इनहेरिट कर रहे हो इनहेरिट कर रहे हो क्यों कर रहे हो कि पेरेंट का प्रॉपर्टी चाइल्ड में आए इसीलिए तो इनहेरिट कर रहे हो अगर चाहे पेरेंट पेरेंट की तरह घूम रहा है चाइल्ड चाइल्ड की तरह घूम रहा है तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का क्या जरूरत है Understand? Yes, ma'am. But मैं यहाँ पर मान लो C के जगह B का क्रिएट कर देती हूँ ऑब्जेक्ट. Then what will happen? What will happen? Hello. देख, let's check. Hello, bye, hi. एरर ये लोगों को मारेंगे एरर दिखाएगा बाबू मैं वो थ्री को रिमूव करना होगा ना वो ना एरर नहीं दिखाएगा एरर नहीं दिखाएगा हां एरर दिखाएगा क्यों दिखाएगा ओबी डॉट मेथड 3 को तो फाउंड ही नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा मैं मगर 3 हटा देंगे तो हटाना पड़ेगा हटा देंगे तो हेलो हो रहा है कारण सीर क्लास सी क्लास लैंड पे कुछ फंक कर दम हेलो आना की बोलले बुझते পারলাম না বল হ্যাঁ ওটাই বলছি যে মেথড 3 ওটাকে ফাইন্ড করতে পারবে না ওর ব্লকিং করতে পারবে না नहीं कर पाएगा बिकॉज़ मैंने b से उसको क्या किया कॉल किया आई कॉल पेरेंट वी कैन नॉट चाइल्ड क्लास मैम वी कैन पेरेंट या वी कैन नॉट सो दैट्स व्हाई क्लियर हुआ हां अब आती हूं हायरार्कियल पे देखो जिस तरह से क्वेश्चन बन सकता है आई एम ट्राइंग मेरा तजुर्बे के साथ बोल रही हूँ 2 years का उसके ज्यादा एक्सपीरियंस तो मेरे पास है नहीं तो आई थिंक क्लियर हो रहा है कि इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है अब मैं आती हूँ कहाँ पर आऊंगी मैं हाइब्रिड हाइब्रिड तुम लोग खुद कर लेना ठीक है अच्छा हाइब्रिड का मैं होमवर्क देती हूँ क्योंकि हाइब्रिड का
सेम है बट मैं मैक्पर शुद्ध एक तो डायमंड स्ट्रक्चर हो तो हाइब्रिड है वो जगह डायमंड स्ट्रक्चर भी हाइब्रिड होता है नॉर्मल स्ट्रक्चर भी हाइब्रिड होता है मैं सब पहले डायमंड स्ट्रक्चर है वो जगह एक तो बोल बैन अरे हमें बोलो अरे बोल बैन बोल बैन बोला दौर का नहीं अच्छा बोल बैन एक तो मेरे को कैसा लगता है तुम लोग आप अपनी अपनी दिए बोलते हो मतलब आप दिए बोलते हो ऐसा मत हम गला टेक टू बड़ो बड़ो लगे तो हां हमारा गला खूब भारी हां ওই জন্যই সেই জন্য बट मैं आधे उम्र का लड़की नहीं हूं गला भारी भारी ना থাকলে তো লোকে শুনবিও না তো কথা তাহলে গলা ভারী করে রাখেন রাখো হ্যাঁ এটা একটা টেকনিক অবশ্যই না না আমার এমনি তো গলাটা ভারী আমি প্রথম দিন ভেবেছিলাম অনেক বড় তুমি বিয়ে হয়ে গেছে না রে বিয়ে হয়নি আরে শাদি নেই হয়ে গেছে করনি ভি নেই চাইয়ে बाबा ना लड़के लोगों से कौन शादी करके फालतू होता है अपने फायदे के लिए सोचता है बॉयफ्रेंड हो इसीलिए तो बोल रहे हो तजुर्बे से बोल रहे हैं खरना नहीं चाहिए लड़के लोग सिर्फ खुद का फायदे के लिए सोचता है ऐसा नहीं है मैम सब नहीं होते एक जैसे कुछ लड़की होती है लड़के नहीं नहीं ऑल बॉयज आर सेम लड़के के बारे में कुछ बोलना ही मत नहीं ये देख जीरो कौन दिखा रहा है मेरे को खेल खोल लो ए क्या है लड़के से तो शादी करना ही नहीं चाहिए सब अपने फायदे के लिए सोचते हैं लड़की से कीजिएगा मैं फिर शादी मैम लीगल है तो नहीं कर सकती हूं ना वो भी तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर नहीं मैम बात तो लीगल है हाँ लीगल है बट मन नहीं मानेगा ना फिर वो भी लीगल ही हो जाएगा जो मन से नहीं होता वो लीगल होता है जा मैम इता जे काली दिए करे से शेषड़ा क्यों इरेज करते पार बना मामी मुने पार बो देखी तो के करे से के ताकि बोलना के करे से रे मोच लड़के लोगों को गंदा बोल दिया ना मैंने खराब बोल दिया इसीलिए गुस्से में आके ये सब कर रहा है बट जो सच है वही बोल रही हूँ ना ना मैम चले तो मुझे क्या बोल रही है बना एक तो चले आमी देख मोचा चेस्ट कर चला देख मोचा चेस्ट कर चला इरेज नहीं होगा जो किया है वही इरेज कर सकता मेरे पास वो कंट्रोल नहीं है ठीक है मैम इग्नोर कीजिए हां ओबीसी का होस्ट आछे ना अभिषिक्ता कर सकता है थोड़ा दिए चके जो किया है वही किया है की जे झगड़ा करे सारा दिन हमारे बाड़ी पे चिपका छ दादा एक रेस्ट नहीं नहीं चचलन तो गला बैठा कर छ मैम पुरुलिया ते गरम क्या बाप रे आकर देखो ना मैम इखानी शेद्ध हो जाच्छी ताले पुरुलिया की होबे बाप बेरो तो बच्चे बाड़ी थे के आमी बेरो ही ना आमी एटा एक्टा मने आमी ने इन माय लॉकडाउन सिचुएशन मैं इतना मोटी हो गई हूँ पहले एक साल से मैं घर पे बैठा हूँ मैं पहले मैं ठीक ठाक थी एक्चुअली
बहुत ही ठीक ठाक, अब तो बहुत ही बिगड़ गई हूँ, मेरा कोई ड्रेस नहीं, इतना सारा मैंने वेस्टर्न ड्रेस खरीदा हुआ था, सब मेरा एकदम बंद है, मेरे को फिर से ड्रेस खरीदना पड़ रहा है, फिर मैं पहन रही हूँ, नहीं तो वो चीज तो नहीं पहन सकती मैं, इतना हाथी हो गई हूँ मैं, आसान बात है, मैं हाथी हूँ, हाथी खा खा के हाथी, नहीं मैं इतने खाती भी नहीं हूँ, बट पैर हाथी हो गई हूँ, क्या करें, जब मैं वहां पर रहती हूँ ना कोलकाता में ना, मैं बहुत डाइटिंग पे रहती हूँ, मैं जिम जाती हूँ, बहुत सारा बहुत कुछ करती हूँ, क्योंकि अंदर से डाइट हो जाए, हाँ एक्चुअली फ्रूट सलाद खाती हूँ, रात को कुछ नहीं खाती हूँ, जस्ट वन ग्लास ऑफ मिल्क खाते हैं, और ऑफिस जाते हैं 10 बजे से रात 9 बजे तक ऑफिस पे रहते हैं, तो थोड़ा बहुत खा लेती हूँ ऐसा, तो मैं आई एम वेरी मच शॉकिंग अबाउट चाय, एक्चुअली मैं बहुत चाय पीती हूँ, मेरा वो वे हो गया क्या, आदत से लग गई, बट चाय पीना अच्छे बात नहीं है, क्या करे, माटीर भाड़े चा एक आलादा बेपार आछे, ट्रेने माटीर भाड़े चा सत्यि आलादा बेपार आछे, अच्छा दादा बता, एसी कम्पार्टमेंट और माटीर भाड़े चा हेवी, कोनो कैफे कॉफी डेर मा कॉफी एक बार टिक्का दिते पारबे ना, मैंने एक बार एक सीसीडी पे गया था, कुछ फिश फिंगर टाइप्स कुछ खाए थे, और जाके मैं इतना वॉमिटिंग किया कि मान लो मत, मैं उसके बाद मैं कभी नहीं जाती हूँ सीसीडी पे, मतलब जत जिन देवे कि तेतो मैंने जघन्य कोलकाता में तो कितना खुश थे हम, कितना घूमते थे, बाप रे, सैटरडे संडे होता तो घूमते थे, वो याद मत दिलाओ, हार्ट अटैक से मर जाऊंगे, बहुत घूमते थे कोलकाता, हम चले शोकाने घर से आने का मन नहीं करता, तू ही फर्स्ट बोली हमारे कोलकाता आस्ते, आज अब हमारे यहाँ तो भले पर के कोलकाता आस्ते बोले नहीं सब तो चाहते हैं कि मैं पुरुलिया में ही नहीं जाऊँ, मैं कभी कोलकाता जाऊँ ही नहीं, मेरा ऐसा ही घटिया दोस्त है क्या, देखो क्या है हायरार्कियल में, एक ही पेरेंट क्लास रहेगा क्लास ए, क्लास बी इज इनहेरिटेड क्लास ए, क्लास सी इनहेरिटेड क्लास ए, एंड क्लास डी आल्सो इनहेरिटेड क्लास डी, क्लियर, यही है क्या, क्या है ये हायरार्कियल, ए बाकी लोग की घूमिए बोली ने की रे, बाकी लोग ना बाची बोलून बोलून आछी, क्या है, क्लास बी इनहेरिटेड क्लास है, क्लास सी इनहेरिटेड क्लास है, क्लास डी इनहेरिटेड क्लास है, संदीप सुन पा रहे हो, हां यस हां, तो इन माय प्रोग्रामिंग प्रोग्राम व्हाट आई डन हियर, I take a class A, which is parent class. Also, I take a class B, which extend class A. Another yes. class is class C, which is extend class A also. And I create a method of, I create a object of C class. Then tell me, Arish. C class. Yes, what will be the output here? What will be the output here? Hey, bol re baba. Bolchi ma'am ekটু দেখতে। Bye bye bye. Ma'am, bye.
বাই হ্যালো হয় তিনটেই হবে না এটা তো হবে ও ম্যাম তাহলে বাই বাই হবে বাই হবে তাহলে বাই ওকে দেখো ক্লাস সি অলসো ইনহেরিটেড ক্লাস এ ওকে আই রাইট হিয়ার ওবি মেথড বাই বাই হ্যালো বাই হ্যালো এরর ও আচ্ছা কিন মেথডটা ফাইন্ড হয়নি স্যার এরর এসেছিল একটু অভিষেক তো ম্যাম এর কথা শুনতে পাচ্ছে না ম্যাম তো কিছু বলছে না কি আমি কিছু বলছি না ম্যাম কিছু বলছে না তো এখন বলছেন সন্দীপ ম্যাডাম ক্লাস সি এক্সটেন্ড হুইচ ক্লাস এ বি না এ ম্যাডাম এ হায়ারার্কিয়াল কা তো এই রুলস আছে না এ তো ইফ আই কল দা মেথড টু we can't proceed it yeah parbo ki parbo na because class c extend ki class a okay okay clear hua ek bar ei gola ajke amar gola chi 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 class cha pati debo cha pati class c extends a okay not class b that's why method 2 is not called this way because it is inherited only class a not in class b mane class c extend korche class a ke or child class hocche class c ha ekhane b asche na ojono method 2 ta hobe na Yeah, clear all of you? Haan, ma'am. Yes, ma'am. Sudha, Sayan, Prince, Meena, Jafar, Tapas, yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Agar main class B ka chahti hu, to kya karna padega mere mere ko is case mein? There is no any other option. Okay? Haan, ma'am. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now come to the हाइब्रिड में हाइब्रिड मतलब क्या जानते हो तुम लोग हाइब्रिड के मतलब मेरा जीन टेकन माय जीन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल एंड
yeah you are using multiple inheritance simultaneously na multiple inheritance simultaneously hybrid mane tora ki bujhis ki hybrid what is hybrid matlab ek man lo there will be a orange which has it has kya seeds and one there will be one orange there is no seeds I just match this and create a new orange okay this orange color is red this red like orange color is hybrid of the of two types of orange okay so hybrid matlab kya hai you can hybrid single and hierarchical also single inheritance and hierarchy inheritance ko match kar do ek sath kar do it will be the hybrid clear yes ma'am मतलब मैं दिखाती हूँ रुको क्लास ए ओके क्लास बी class c ye kya hai ye kis type ka ye hai which type of inheritance it hierarchical hai na hierarchy ha class b also inherited That's class a class c also inherited That's class a okay now there will be another class there will be another class d class d inherited class b which type of inheritance is class b inherited class d it is a single type of inheritance okay but class a class b and class d which type of inheritance multi level clear there will be there is a three types of inheritance of a hybrid class a class b class d is a multi level class b and class a c inherited class a it is a hierarchical and class b inherited class d sorry class d inherited class b it is a single inheritance ye program karke dekho karoge sab hum to asna hai recorded ye sunte bachche mag 6 lo bachcha mag 6 lo asna मैकबुक क्या हुआ मेरे पास मैकबुक नहीं है सुनाई नहीं दे रहा है क्या बोल रहे हो क्लियर ऑल ऑफ यू सबाई बोल सुधा है मैम यस मैम नीना यस मैम यस मैम सावन यस मैम प्रिंस प्रिंस एंड तापस यस मैम क्लियर हुआ जाफर क्लियर हुआ यस मैम शुभदीप यस मैम क्लियर है जे तो आज के की पढ़ालम कंस्ट्रक्टर चेनिंग एंड टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस ओके हाइब्रिड इनहेरिटेंस मैंने जो देखा दिखाया थ्री टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन वन चार्ट ऑल ऑफ यू प्लीज डन दैट ओके एंड यस मैम Today class is finished. Hybrid is supported in Java. By hybrid is supported in Java. By hybrid supported in Java. Why not? हाँ. Multiple नहीं support करता hybrid करता है. पौड़ी दिन की encapsulation हो बे. हाँ. पौड़ी दिन की encapsulation हो बे. abstraction interface koi hoy ekhono abstraction to shudhu alpo hoyeche ma'am porer din ma'am mysql ta koraben na okay I forget it ma'am korechi ma'am wo install nahi ho raha ma'am okay I'll in next class okay ma'am half an hour I'll
টিসিও এন্ড মাইসিকল ওকে ওকে ম্যাম তো তো আজকেই হে তো অল অফ ইউ প্লিজ গিভ ইওর অ্যাটেন্ডেন্স ताकि मैनेजमेंट देख पाए कि तुम लोग क्लास कर रहे हो क्योंकि सब तो ज्वाइन नहीं किया आज ओके थैंक यू एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड मैम नेक्स्ट क्लास कब है मैनेजमेंट विल डिसाइड एंड आई आल्सो डिसाइड लेट्स चेक नेक्स्ट दिन क्वेश्चन ले जानबो मैम या ऑब्वियसली एनी क्वेश्चन नो मैम ओके थैंक यू प्लीज ऑल ऑफ यू गिव योर फीडबैक एंड अटेंडेंस ऑल्सो Okay. Okay, ma'am. Okay. Bye. Bye, ma'am.